तुम्हें मैंने इस तरह से बनाया है, तुम्हारी रचना इस तरीके से हुई है, और तुम्हारे दिमाग को इतना मजबूत मैंने बनाया है कि कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश भी करेगा, तब भी तुम बहक नहीं पाओगे, तब भी वो तुम्हें बहका नहीं पाएगा। तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोची गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुनी गई हैं, तो इसलिए तुम परेशान मत होना। अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है किसी काम को करने के लिए, और अगर उस काम को तुम्हें ज़बरदस्ती सौंपा जा रहा है, तो याद रखना कि उस काम को करने से पहले अपने आप को रोक दो, क्योंकि जब तुम्हारा मन नहीं मानता है तो एक बात याद रखना कि वो काम कभी भी सही नहीं हो सकता है। और जिस काम को तुम्हारा मन ना माने वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आने वाले कुछ महीने, सिर्फ कुछ महीने, और तुम्हारा जीवन पूरा परिवर्तित हो चुका होगा। वो परिवर्तन मैं करूँगा, मैं लेकर आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक सा परिवर्तन। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें हमेशा मेरा अनुभव होता भी आया है और हमेशा होता रहेगा। याद रखना इस बात को कि तुम हर पल हर समय मेरा अनुभव करोगे, तुम्हें महसूस होगा, और तुम पिछले कुछ दिनों से ये महसूस भी कर रहे हो कि तुम्हारे आसपास एक शक्ति है जिसने तुम्हारा हाथ थाम कर रखा हुआ है, जो तुम्हारे तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे घर के एक एक सदस्य की परेशानियों को यूँ चुटकी में दूर कर रहा है। तो याद रखना कि वो कोई और नहीं है, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ जो तुम्हारे आसपास एक घेरा बनाया हुआ है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा घेरा है जिसमें तुम सुरक्षित हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा घेरा है जिसके अंदर प्रवेश कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग गलत सोचते हैं, जो लोग गलत इरादे से तुम्हारे से दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, और मैं उन लोगों को कभी भी तुम्हारे आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। तुम सुरक्षित थे, सुरक्षित हो, और हमेशा ही सुरक्षित रहोगे। खुश रहो, और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।